चुनावी मैदान में सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो वहीं प्रदेश में बीएसपी और एलएसपी के गठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी रण में उतर चुके हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ गुरुग्राम हाजी राइस ने नामांकन भरा, तो वहीं बीएसपी हरियाणा प्रभारी नेतराम भी उनके साथ मौजूद थे। मेरे भाई, ये है तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जो देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा भयंकर रूप में बढ़ गई है। अभी दो तीन दिन पहले भी आपने पढ़ा होगा, जो विप्रो के चेयरमैन है अजीम जी, उनके यहाँ से भी एक सर्वे आया था कि जो बेरोजगार वालों को उन्होंने बताई संख्या कितनी बढ़ गई है। इन्होंने वादा किया था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक भी उन्होंने बता दिया कि 50 लाख 1 करोड़ को भी उन्होंने रोजगार दिया हो, किसी को भी रोजगार नहीं दिया। हाँ, बेरोजगार जरूर नहीं किया है, चाहे वो नोटबंदी का मामला रहा हो, GST का मामला रहा हो, चाहे देश की सुरक्षा का मामला रहा हो, गरीबों की गरीबी दूर करने का मामला रहा हो, हर तरह से सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। ये हर क्षेत्र में विफल हो गई है। क्या मेवात में रेल का वादा किया गया था जब बीजेपी सत्ता में आई थी, और भी कई बेरोजगारी के मुद्दे थे? ना रेल का काम हुआ, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी ना उसका काम हुआ करके, ना सड़कें बनी, ना मेवाड़ में एक भी आप कॉलेज बता दे बना हो, या कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, या कोई अस्पताल बना हो। इस तरह की आप तो सब चीज की खबर रखते हैं, कहीं भी कोई भी रत्ती भर काम नहीं हुआ वहाँ पर। ना नहर का काम हुआ, ना वो बेचारे हमारे ड्राइवर भाइयों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, ना उनका काम हुआ। सिर्फ झूठ बोल के बेचारी हमारी जनता है, एक ईमानदार जनता है, उन्होंने विश्वास कर लिया उनके वादों पे और उन्हें वोट दे दिया, लेकिन सारे पुलंदे झूठ के उनके खुल गए करके। इसलिए हमारी माननीय बहन मायावती जी ने तय किया है, इन लोगों के सारे झूठे चीज़ों को पब्लिक के सामने चिट्ठा खोलेंगे, उनकी सच्चाई को लेके आएंगे, और हम सही हित में, देश हित में, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो गरीब जनता है, हमारे गरीब किसान भाई लोग हैं, उनके लिए काम करेंगे। किस तरह का समीकरण इस बार लोकसभा चुनाव में है? बहुत अच्छा समीकरण है। हमारा जो गठबंधन हुआ है वो अधिकतम सीटें हमारे गठबंधन को मिलने वाली हैं। ये पूरे देश में और पूरे राज्य में ये माहौल बन चुका है अभी। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट। समय समय पर ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए YES TV के साथ।